शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने मोदी के मैजिक को ठेंगा कैसे दिखाया। लोकसभा चुनाव में देश में भले ही मोदी नाम की सुनामी थी, पर महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा सीट से पवार परिवार का राजपाट नहीं छीन सकी। यहां लगातार तीसरी बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सूले पवार जीत चुकी हैं। सुप्रिया ने 1,55,774 वोटों के अंतर से भाजपा की कंचन आरकूल को मात दे दी है। बारामती सीट पर पिछले 27 साल से पवार परिवार का ही राज रहा है। लोकसभा चुनाव में अपनी इस जीत के साथ सुप्रिया ने जीत की हैट्रिक लगा ली है। सुप्रिया राजनीति का एक मजबूत और अनुभवी चेहरा है। सांसद में सुप्रिया सूले का 96% उपस्थिति के कारण काफी शानदार प्रदर्शन रहा है। 2006 में राज्यसभा से निर्वाचित होकर सुप्रिया ने राजनीति में कदम रखा था। सुप्रिया ने 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव में खड़े होकर जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने भाजपा की कांता नलवाड़े को वोटों के भारी अंतर से पछाड़ा था। सुप्रिया ने राज्य स्तर पर भ्रूण हत्या के खिलाफ काफी असरदार कैंपेन चलाया था। अपने नेतृत्व में सूले ने जीवी के 2012 में राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस विंग भी बनाई, जिसका उद्देश्य युवा लड़कियों को राजनीति के लिए तैयार करना था। सुप्रिया महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार की इकलौती बेटी हैं। उन्होंने पुणे के संत कोलंबस स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद में यहीं के एक कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी में BSc किया। कॉलेज के समय में सुप्रिया काफी शर्मीले स्वभाव की हुआ करती थी। जब वे कॉलेज में थी तब उनके पिता शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत थे। मुख्यमंत्री की बेटी होने के बावजूद वे उस समय सरकारी बस से ही कॉलेज जाती थी और उन्हें घर से रोज 10 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी। 1991 में उन्होंने सदानंद सूले से विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुछ वर्ष विदेश में रहने के बाद अब वे परिवार के साथ मुंबई में ही रहती हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।